नमस्कार दोस्तों, नेपाल के पास कुछ चुनिंदा पड़ोसी देश ही हैं, जिनके साथ संबंध ठीक ही हैं। लेकिन वहीं से बीच बांग्लादेश ने नेपाल को जिस तरह से अपनी दोस्ती दिखाई है, वो बहुत गहरी लगी है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में दोस्ती काफी अच्छी बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। और हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बैठक के दौरान नेपाल को अपने नए पायरा बंदरगाह को उपयोग करने की पेशकश की है। यानी कि अब नेपाल जो नया पोर्ट है बांग्लादेश का, जो कि है पायरा पोर्ट, उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। और दोनों ही लीडर्स यूएन फूड सिस्टम समिट में मिले थे और इसी दौरान इस चीज की पेशकश की गई। पीएम शेख हसीना ने नेपाल को ऑफर किया पायरा पोर्ट और ये बात बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर एके अब्दुल मोमेन द्वारा रिपोर्ट की गई। लेकिन बांग्लादेश पहले से ही नेपाल के लिए चलना और चटगांव बंदरगाह और वहां पर नेपाल आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। और मेमोन ने दहल को बताते हुए कहा कि नेपाल नवनिर्मित पायरा बंदरगाह का भी उपयोग कर सकता है और इसके लिए बांग्लादेश की तरफ से कोई भी झिझक नहीं है। साथ ही साथ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो अपने सैदपुर हवाई अड्डे के क्षेत्र को भी विकसित करेंगे, जिसके बाद कनेक्टिविटी को और बढ़िया बनाया जा सके। साथ ही साथ मेमोन ने कहा कि नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पनबिजली उत्पाद की काफी ज्यादा संभावना है। इस संदर्भ में शेख हसीना ने कहा कि नेपाल से भारत के रास्ते बांग्लादेश तक 40 मेगावाट बिजली के लिए पहला त्रिपक्षीय बिजली व्यापार शुरू हो गया है और बांग्लादेश ऊर्जा क्षेत्र में इसको और बेहतर करेगा नेपाल के साथ। साथ ही साथ दहल ने भी मेंशन किया कि नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट बांग्लादेश में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। तो यही है दोनों देशों के बीच में बढ़ती हुई फ्रेंडशिप, जिससे दोनों ही देश को इकोनॉमिक तौर पर काफ़ी फायदा हो रहा है, साथ ही साथ एजुकेशनल लेवल पर भी। आपकी क्या इस पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा। धन्यवाद NI News।